मुझे तो समझ नहीं आती मिल गैरत किधर चली गई, दीनी गैरत कहाँ चली गई। हम पता नहीं जिंदा हैं, हमारा जिंदा रहना जुर्म है अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते। ऐसी कोई बेहिस और बेगैरत कौम भी कभी हुई होगी? हमने तारीख में बेगैरती की बड़ी दास्तानें सुनी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अब तुम्हें क्या मौत पड़ गई है, अब क्यों नहीं लड़ते तुम अल्लाह के रास्ते में। वल मुस्तज़ाफीन मिन अर्रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीन यकूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, पूरी दुनिया पर जुल्म की दास्तानें सारी दुनिया देख रही है। मस्जिद अक्सा को आग लगा दी गई है, हमारी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को वो अपने घुटने के नीचे लेके बैठे हुए हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, बच्चे छोटे छोटे कत्ल किए जा रहे हैं, किसी को गैरत नहीं आ रही। मुझे तो यूं लगता है ये हमारी नमाजें हमारे सजदे कैसे कबूल होंगे, हम जो मुजरिम हैं जो आराम से बैठे रहे, क्या करें, बेबसी की इंतहा है। मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, अगर 58 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, अपने मुल्क को हुक्मरानों को तो कुछ कह सकते हैं कि हुक्मरानों और फौज के सिपहसालारों, अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो तो करो, जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, नहीं कर सकते ना तो हमें एक जहाज में भर के वहां भेज दो, कम अज कम हम इज्जत की मौत मारी जाए, कम अज कम जाके हम वहां पे उनके साथ शहीद हो जाएं। अल्लाह को क्यामत के दिन हम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने के तो काबिल हो कि अल्लाह हमें गैरत थी हमारे अंदर को मिली और दीनी गैरत थी। तो दुआएं हो रही हैं, वो कोई कह रहा है कि अल्लाह तू को अभी अबाबील भेज दे और उनका उनकी मदद कर दे, कोई दुआएं कर रहा है, कोई दुआएं कर रहा है। इस तरह के लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल कोई नहीं करता। दुआओं के लिए भी गैरत की जरूरत है, आप पहले कदम उठाएं फिर अल्लाह से दुआ करें। वो बेचारे सारी सारी रात वो लड़ते हैं उनके सामने, दुआ तो उनकी है और अल्लाह ने, आजमाइश मैं समझता हूं उनकी नहीं है, वो तो जन्नती हैं, वो तो इंशाल्लाह बख्शे हुए हैं। आजमाइश ये बाकी सारी दुनिया की है, हम उनकी वजह से मुजरिम बन रहे हैं, अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। तो ये जब कारी साहब पढ़ रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था कि अल्लाह उन बेचारों के पास ताकत नहीं है, वो पत्थर इकट्ठे करके बैठे हैं, तोपों बंदूकों का मुकाबला पत्थरों से कैसे होगा, या अल्लाह तू अबाबील भेज दे। और तू जिसने अबरहा को और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया था, अल्लाह इस दौरे जदीद के अबरहा को जो हमारी मस्जिद अक्सा को तबाह करने के लिए आया है और पूरी मिल्लत इस्लामिया, दहशतगर्द फिर मुसलमानों को कहा जा, बदबख्त पूरी दुनिया में बदतरीन दहशतगर्दी करते हैं और फिर बात करते हैं मुसलमानों की दहशतगर्दी करते हैं। मैं तो समझता हूं पूरे 58 इस्लामी मुल्कों को ऐलान जंग कर देना चाहिए, लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए, इस जिंदगी से वो मौत बेहतर है। हमने क्या किया हुआ है, कैसी जिंदगी, कैसा दीन, क्या कलमा पड़ा हुआ है हमने, कैसी कुरान की बातें, क्या कुरान के दुरूस। हम यहां सुकून से बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, मौज मेला पानी पीने को मिल रहा है, नमाज आराम से पढ़ रहे हैं, सजदे आराम से कर रहे हैं, वहां हमारी बहनें बेटियां लुट रही हैं, कहां गई गैरत हमारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे तो यूं लगता है कि शायद ये हमारे आराम सुकून से किए हुए सजदे भी कहीं जुर्म ना बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको मुआफ फरमाए।